हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस हम पोएम कर रहे थे चीवी, माइकल रोजन की लिखी हुई पोएम है। इस पोएम के हमने पढ़ लिया था, उसमें क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, और उसके बाद हमने इसके कुछ क्वेश्चन भी आंसर भी डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम आपको स्टैंजा जो होते हैं पैसेज, उनके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। और हम ये MBD बुक को फॉलो कर रहे हैं, उसमें से ही दिया गया है, क्योंकि चाहे बुक कोई भी हो, आपके पास स्टूडेंट है, लक्ष्मी है, तो वो आप जो भी फॉलो करते हैं आप कर सकते हैं। कोई मेरे मैं नहीं कहता कि आप कौन सी बुक से पढ़ो, तो MBD से मैं करवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको अगर समझाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर है। तो शुरू करते हैं। हु से थिंग्स मेंशन इन द स्टैंजा। तो इस पोएम में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, ग्रोन अप होते हैं हमारे घर के बड़े लोग, जो भी हमारे घर में माता पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं और दादा दादी हैं, वो हमें कुछ चीज़ों के लिए करने को कहते हैं, कुछ ना करने को कहते हैं। तो इसलिए पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये जो चीज़ें मेंशन की गई हैं कि ऐसा करो, कब बोलना है, कब बात नहीं करनी है, कब घूरना नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं कि कब करनी है, कब नहीं करनी है। तो इसमें हु सेज, कौन कहता है ये चीज़ें, तो आंसर में आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ग्रोन अप सेज थिंग्स मेंशन इन द स्टैंजा। जो भी ये चीज़ें बताई गई हैं, तो ये सब ग्रोन सब जो बड़े लोग होते हैं घर के, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वही कहते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन आर यू टोल्ड टू स्पीक अप, आपको कब कहा जाता है कि बोलो, बोलने के लिए कब कहा जाता है। जब हम हमारे घर कोई आए और हम उससे शाइनेस बच्चा फील करता हो और वह बात ना करता हो उसके सामने, वैसे घर वालों के सामने बहुत बोलता है, परंतु घर में कोई गेस्ट आ जाता है या तो उस समय बच्चा नहीं बोलता, तो उस समय कहता है व्हेन वी फील शाई इन स्पीकिंग, जब बच्चा स्पीकिंग बोलने में शाई महसूस करता है, शर्म महसूस करता है दूसरे को देख कर, वी आर टोल्ड टू स्पीक अप, तब हम उसे कहते हैं कि बोलो, हम उसे बोलने के लिए कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए MBD का इंग्लिश गाइड से लिया गया है, मेरा मकसद कोई किसी बुक की बिक्री को रोकना नहीं है, तो बच्चों को अब लॉकडाउन के समय अब चल रहा है, तो बिना टीचर के समझ में मुश्किल होता है, बिना टीचर के समझना कोई भी चीज़ को, तो इसलिए हम इस बुक से करवा रहे हैं। तो आप जो अगर इस बुक को फॉलो करते हैं तो आपको लिए यह वीडियो काफ़ी बेनिफिट वाली होगी, क्योंकि तो इसमें हम एक एक लाइन की हिंदी और आपको समझाएंगे कि इसमें क्या पूछा गया, क्या बताया गया है। When are we asked not to talk? हमें कब कहा जाता है कि बात नहीं करने के लिए, कब कहा जाता है। We are asked not to talk when we are eating something. जब हम घर में कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो हमें बड़े बुजुर्ग बोलने से रोकते हैं कि अगर आपके मुंह में कुछ आप खा रहे हो तो जैसे हम खाएंगे, खाते समय बोलेंगे तो वो मुंह में से बाहर निकलना गिरेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, डाइनिंग टेबल ख़राब हो जाएगा हमारा या फिर हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो ऐसा दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता मुंह में से खाना गिरता है, तो इसलिए कि मुँह को बंद करके अच्छी तरह उसको चबा के खाना है, इसलिए कहते हैं कि अपना खाते समय हमें बोलना नहीं है। आगे है नेम द पोएम एंड द पोएट, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। चीवी इस पोएम का नाम है, इज़ द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट इज़ माइकल रोजन, जो है इसके पोएट हैं। राइट थ्री डॉट्स मेंशन इन द स्टैंजा, कि ऐसी तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं जो स्टैंजा में बताई गई हैं कि आपको नहीं करनी है। अभी हमने स्टैंजा को पढ़ा है, जो देखिए, डोंट टॉक, डोंट स्टेयर, डोंट पिक पॉइंट, डोंट पिक यूवर नोज, तो यही तीन चार चीज़ें बताई गई हैं। इनमें से हमें से तीन पूछी गई तो हमने तीन ही लिखनी है, डोंट स्टेयर, घूरना नहीं है, डोंट पॉइंट, ये सारे नहीं करना बिना भद्दे वाले सारे, और डोंट पिक योर नोज, कि अपनी नाक में उंगली नहीं डालनी। तो इस तरह की जो हमें बड़ों से सुनने को मिलता रहता है कि ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट है, सिट अप से प्लीज़, सीट अप बैठ जाओ से प्लीज़, धन्यवाद बोलो, लेस नॉइस, वो आवाज़ ना करो, सत द डोर बिहाइंड यू, जैसे अंदर आओ दरवाज़ा लगाओ या बाहर जाओ दरवाज़ा लगाना है, डोंट ड्रैग योर फीट,
पैरों को घसीट के मत चलो, हैव नॉट यू गोट ए हैंकी, टेक योर हैंड आउट ऑफ योर पॉकेट, और आप अपने जो रुमाल का प्रयोग करो और अपने हाथों को जेब से बाहर निकाल कर चलो. गिव टू डॉट्स डज गिव इन द स्टेंजा, कि दो डज कि जो हमें करने के लिए कहा जाता है कि ये करना है, वो क्या है दो चीज़ें. टू डज आर सिट अप से प्लीज, एक तो सिट अप बैठ जाओ, और सेकंड है से प्लीज, बैठने के लिए जगह आ जाता, उठने के लिए कहा जाता है से प्लीज, और धन्यवाद या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है तो हमें प्लीज़ वर्ड का यूज़ करके हम अपने लिए कोई चीज़ मांग कर सकते हैं. तो ये टू डज हमें करनी है, सेट अप कि खड़े हो जाओ, और से प्लीज़ दूसरों से कोई चीज़ हमने लेनी है तो उसके लिए प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल करो, और तभी हम जो एक सभ्य भाषा का प्रयोग हो सकता होता है. हु सेज दीज थिंग्स जनरली, ये सब चीज़ें कौन कहता है आमतौर पर. जनरली मदर्स और एल्डर्स पीपल्स गिव सच इंस्ट्रक्शन. जनरली क्या होता है कि आमतौर पर माताएं, जो हमारे घरों में माताएं होती हैं बच्चों के ज़्यादा संपर्क में, तो और या एल्डरली पीपल जो बड़े घर के बड़े लोग होते हैं, वो सभी इस तरह की बातों को इंस्ट्रक्शन और निर्देश बच्चों को देते रहते हैं कि ऐसे करो ऐसे ना करो. वट डू सच इंस्ट्रक्शन टीच, इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं हमें क्या सिखाते हैं, कि बड़े लोग ऐसा क्यों बोलते रहते हैं, हमें क्यों ऐसे छोटे बच्चों को लगता है कि परेशान करते रहते हैं. तो सच इंस्ट्रक्शन टीच अस गुड मैनर्स, तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें अच्छे मैनर्स सिखाते हैं, तौर तरीके सिखाते हैं किस तरह से रहना है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है. तो ये सभी सीखते हैं हम बड़ों से ही. गिव वंस डोंट एंड ए क्वेश्चन गिव इन द ब्रेक, एक डोंट हमने बताना है, डोंट का मतलब कि क्या नहीं करना. अभी हमने पढ़ा था लेसन में डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग योर फीट का मतलब कि अपने पैरों को घसीट कर मत चलो. क्वेश्चन एंड ए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया गया स्टेंजा में, हैव नॉट यू गोट ए हैंकी, कि आप अपना हैंकी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, कि आपके पास हैंकी नहीं है क्या. मान लो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो वो बच्चों को बार बार बोली जाती हैं. नेक्स्ट है स्टेंजा नंबर 3, पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, अपनी जुराबें ऊपर करो, खड़े सीधे खड़े रहो, से थैंक यू बोलना है, डोंट इंटरप्ट बीच में, लोगों के बीच में बात करते हुए नहीं बोलना, कि जब दो लोग बात कर रहे हैं उनके बीच में नहीं बोलना. नो वन थैंक्स यू आर फनी, थिंक्स यू आर फनी, कोई आपको इस तरह की करने से आपको मजाकिया नहीं समझता. टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल, अपने बाजुओं को टेबल के ऊपर रखकर, जो एल्बो है कोहनी को टेबल पर रखकर नहीं रखना है. कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, कि आप अपने खुद ऐसा कुछ अपने दिमाग में अपना नहीं सोच सकते कि जो ये बोला जाता है कि आप खुद नहीं कर सकते, आपको इतनी भी अक्ल नहीं, ऐसे शब्द बोलते हैं बड़े वाले छोटे बच्चों को बड़े लोग, कि तो अपना आप अपनी जो आप सोच के भी ऐसा कर सकते थे. फॉर वूम आर दीज इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए हैं. दीज इंस्ट्रक्शन आर फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए हैं ये सारे इंस्ट्रक्शन. सेकेंड क्वेश्चन है मैंशन टू डू डज गिवन इन द स्टेंजा, ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमें करने के लिए कहा जाता है. स्टैंड अप स्ट्रेट, फर्स्ट लाइन में भी हम ये लिख सकते हैं पुल योर शॉक अप, सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ, से थैंक यू, थैंक यू बोलने के लिए कहा जाता है. तो ये चीज़ें जहाँ पर डोंट लगा है तो वो नहीं करने के लिए कहा गया है, जहाँ पर डोंट नहीं लगा वो चीज़ें हमें करने को कहा गया है. पहली तीन लाइनों में जो लिखा गया वो करना है, जो डोंट है वो नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू चिल्ड्रन फाइंड देमसेल्फ इन ए फनी सिचुएशन, बच्चे अपने आप को कब एक फनी सिचुएशन में, मजाकिया हालात में, परिस्थिति में पाते हैं. चिल्ड्रन फाइंड देमसेल्फ इन ए फनी सिचुएशन व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू ओबे द इंस्ट्रक्शन विदाउट थिंकिंग,
कि बच्चे अपने आप को उस समय मजाकिया स्थिति में पाते हैं कि जब उनको लगता है दे आर एक्सपेक्टेड टू ओबे, कि हमें दूसरों की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ओबे करना है, मानना है उनकी बातों को बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे घर वालों ने जो कह दिया मान लो, बड़ों ने जो कह दिया उसको मानना है, खुद नहीं सोचना। तो वह चीज़ तब बच्चे को लगता है कि एक मजाकिया सी स्थिति हो रही है कि मेरा अपना जो वजूद है वो मैं कुछ कर नहीं पाता, परंतु दूसरों के कहावों का ही मुझे करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चंस आर दे आस्क्ड व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग, व्हाट क्वेश्चन आर दे आस्क्ड व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग, जब वो गलत कुछ करते हैं तो उनसे क्या क्वेश्चन किए जाते हैं। दे आर आस्क्ड इफ दे कैन नॉट थिंक अबाउट देमसेल्फ बाय डू दे डू, तो उनसे यही कहा जाता है कि आप बिना, आप अपने आप नहीं ये कर सकते थे, ऐसा बोलते हैं बड़े लोग जब आप बड़े हो चुके हो, बच्चों को बोल देते हैं अब आप बड़े हो गए हो, आपको अक्ल नहीं है ऐसा कर, आप खुद ऐसा कर सकते हो। तो इस तरह से वर्ड जो है बड़े लोग बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि यू दे कैन नॉट थिंक अबाउट एनी थिंग दे डू, कि आपने जो किया है, आपने गलत किया, आपको पता था गलत किया, फिर भी आपने ये कर दिया, आप खुद सोच के नहीं कर सकते थे कि ये मान लो कोई बड़ा भाई या बहन छोटे को बीट कर देता है, मार देता है, तो बड़े वाले कह, बड़े लोग घरों के मम्मी या बड़े लोग कहते हैं कि अपने अपने छोटे भाई को क्यों पिटा है, ऐसे ऐसे शब्द, चाहे वो छोटे का ही दोस्त क्यों ना हो, परंतु फिर भी बड़े को ही वो ऐसा डांट पड़ती है। तो इसलिए ये थे क्वेश्चन आंसर इस पोएम के, हमने पोएम को पढ़ा ही दिया था पिछले लेसन में क्लास में। तो ये अगर कोई क्वेश्चन समझना है कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेसन के साथ, तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।